hello friends welcome to my channel learn and build and in today's video we are going to learn about a very interesting thing that is Cimodine Lab. see and before we begin with this video i would like to request all those who are visiting this channel for the first time to please like share and subscribe so that you don't miss out on any important content so let's start see if you remember hamnike video thi palindromes topic the link of the video is given in the description box you can go and check if you haven't seen it राइट सो पैलिनड्रोम्स कौन से वर्ड होते हैं जिन्हें हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट स्पेल करें तो वो सेम वर्ड बनते हैं लाइक नून मॉम राइट सी अगर पैलिनड्रोम्स वर्ड को ही आप राइट टू लेफ्ट रीड करें सो बनता है से मॉडर्न लैब जो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या होता है सी इट इज बेसिकली अ वर्ड फ्रेज और सेंटेंस विच कैन बी रेड इन रिवर्स विद डिफरेंट मीनिंग यानी पैलेंड रोम्स में जब हम रिवर्स रीड करते हैं वर्ड को तो सेम वर्ड बन रहा होता है लेकिन से मॉडर्न में अगर आप एक वर्ड को रिवर्स रीड करेंगे सो तो एक डिफरेंट मीनिंग का वर्ड बनेगा फॉर एग्जाम्पल ईविल इसको आप राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे सो तो लिव वर्ड बनेगा जिसका अलग ही मीनिंग है सिमिलरली डिजर्ट्स इसको हम उल्टा रीड करेंगे तो स्ट्रेस्ड बनेगा डायपर इसको हम रिवर्स रीड करेंगे तो रीपेड बनेगा एक नया वर्ड सो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं सिमॉर्डर्न लैब्स एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है कि अगर आप ये जो एक वर्ड है और उसका जो से मॉडर्न लैब बना है उसको एक साथ रीड करें रिवर्स सो वो एक पैलिड्रामिक फ्रेज बनता है फॉर एग्जाम्पल यही जो वर्ड हमने देखा ई विल लिव राइट सो अगर मैं इसको रिवर्स रीड करूँ सो so भी आप तब भी आप देखेंगे कि ईविल लिव ही बनेगा सिमिलरली डेजर्ट का सिमोडिन लैप था स्ट्रेस अगर मैं डेजर्ट स्ट्रेस एक साथ इसको रिवर्स रीड करूँ तो ये डेजर्ट स्ट्रेस डेजर्ट स्ट्रेस्ड ही वर्ड बनेगा यानी अगर हम एक वर्ड और उसके साथ में उसका से मॉडॉडन लैप को एक साथ रीड करते हैं सो दैट बिकम्स अ पैलिंड्रोमिक फ्रेज So, I hope you liked the video. And uh, if you don't want to miss out on any such interesting topic, please do not forget to like, share, and subscribe.